दोस्तों नमस्कार, मैं अजय कुमार वर्मा, एशिया एंड एबीसी। आज का वीडियो दोस्तों मुख्यतः उन किसान भाइयों के लिए है जो कि नए पोल्ट्री फार्मर हैं और एकदम नए सिरे से काम शुरू करते हैं दोस्तों, तो उनको बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। उसमें से कुछ ऐसी चीज़ें हैं दोस्तों जो कि मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ दोस्तों। और आज मैं अपने बर्ड का, जो हमारा बर्ड है दोस्तों, ये आज 15 दिन इसका कंप्लीट हुआ है, तो 15वें दिन पे मैं आज अपने बर्ड का वेट करके भी दिखाऊंगा दोस्तों। एक्चुअली क्या है दोस्तों कि काफ़ी सारे किसान भाई ऐसे हैं और काफ़ी मेरे दोस्त ऐसे हैं जो कि कहते हैं, अजय भाई अपने फार्म का जो आपका बर्ड है इसका वजन करके दिखाइएगा किसी दिन किसी वीडियो में। तो दोस्तों वो भी मैं दिखाने वाला हूँ आप लोगों को। और आज मैं एक चीज़, सबसे पहली चीज़ बताऊँगा दोस्तों कि अगर आपका जो शेड है दोस्तों, इस प्रकार का शेड है यानी छप्पर का शेड है, तो इसमें ये मान के चलिए आप कि अगर आप ऊपर से पानी डाल देते हैं दोस्तों, यानी छप्पर के ऊपर अगर आप पानी का, जैसे कि यहाँ पे ज़रा दिखाइएगा, यहाँ पे ये जो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये पाइप गई हुई है इधर से गली में से, दिखा दीजिए ये जो, ये पाइप जो है दोस्तों, इससे क्या करते हैं हम लोग दोपहर यानी 11 बजे के करीब में पूरे छप्पर पे एक सरीका पूरा पानी मार देते हैं, और जैसे ही छप्पर गीला हो जाता है दोस्तों, बर्ड इतना बेहतर तरीके से रहता है उसमें और अच्छी तरह से फीडिंग भी करता है, जिससे दोस्तों आपको ग्रोथ अभी आप खुद ही देखेंगे। बाकी दोस्तों मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा आप, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि छप्पर के ऊपर पूरा अच्छी तरह से छप्पर को भिगोया जाता है, और भिगोने के बाद में दोस्तों ये बीच साइड में, यहाँ पे आपको मैं दिखाना चाहूँगा, देखिए किस तरह से अच्छे से पानी भी भरा रहता है, ऊपर का पूरा अच्छे से गीला कर दिया जाता है। अभी धूप के कारण दोस्तों नहीं दिख रहा है छप्पर के ऊपर का जो भीगा है दोस्तों। यहाँ इसी तरीके से जिस तरह से इस साइड में पानी भरा हुआ है, ऐसे उस साइड में भी है, उस साइड में भी है, और इस साइड में तो आपको पता ही है कि हमारे यहाँ तालाब ही है। पीछे साइड में, पूरब साइड में दोस्तों हमारा तालाब है, और पश्चिम साइड में जो है हम लोग पानी भर देते हैं दोपहर के समय में, और उधर दक्षिण साइड में भी पानी मार दिया जाता है। उस साइड में पौधे भी बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, आप देख पाएंगे। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से पौधे लगाया है हमने ताकि गर्मी ना रहे फार्म के अंदर, और इस साइड में दोस्तों हम पानी भर देते हैं। तो ये इस तरह से जो हमारा मैनेजमेंट है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं अच्छे ग्रोथ के लिए यही मैनेजमेंट ही जिम्मेदार होता है। बाकी दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, मैं हमेशा, यहाँ पे आप देख पाएंगे कि टंकी के ऊपर भी इस तरह से हमने बना रखा है ताकि किसी भी प्रकार से ये गर्म ना हो पानी, और वैसे भी दिन में तो 3 बार इस पानी चेंज ही किया जाता है दोस्तों। और यहाँ पे आप देखिए दोस्तों कि यहाँ पे थोड़ा हल्का, पूरा पैरा जो इस पर डाला जाता है वो थोड़ा हल्का हो गया था, जिसके कारण से हमने क्या किया है, वापस रिटर्न दूसरा डलवा दिया है, जिससे कि गर्मी ना बने, और जब छप्पर मोटा हो जाएगा दोस्तों तो उससे क्या होगा कि गर्मी तो बिल्कुल नहीं बन पाएगी, यानी ये जब मोटा छप्पर है दोस्तों, ये भीग जाता है तो काफ़ी देर तक ठंडा रहता है। लोगों को कि हमारे पास यहाँ पर ये दो दवाएं हैं, इन दो दवाओं का रोल जो है दोस्तों, तो दोस्तों मैं, जैसा कि मैंने बताया कि आप लोगों को दवाओं के बारे में मैं बताने वाला हूं, ये जो दवा है दोस्तों, ये है कासबैक दवा, और इस दवा का नाम है कासबैक। इस दवा को, जैसे कि बहुत सारे ऐसे फार्मर भाई हैं जो कि कहते हैं कि सर हमारा बर्ड अभी छोटा है, यानी अभी मात्र और मात्र 8 दिन का है, कोई कहता है 10 दिन का है, और कोई कहता है 15 दिन का है, बीट जो है पतली हो रही है या खूनी टाइप से हो रही है या कॉक्सी टाइप से हो रही है, हरा बीट कर रहा है बर्ड, वाइट बीट कर रहा है या लाल बीट कर रहा है। दोस्तों यह जो दवा है, यह 50 ग्राम दवा 1000 बर्ड पे 50 ग्राम दवा आप कंटिन्यूसली 2 टाइम दे दीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूँ दोस्तों कि आपका जो बर्ड है यह इस बीट से छुटकारा पा जाएगा। हाँ, एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आप फीड को चेंज कर रहे हैं, यानी जैसे कि मान लीजिए कि आप प्री स्टार्टर से स्टार्टर पे आ रहे हैं या स्टार्टर से आप फिनिशर पे जा रहे हैं, ऐसे सिचुएशन में 2 दिन पहले से ही आप लोगों को लीवर टॉनिक जो भी हो आपके पास
उसको चलाना शुरू कर देना है दोस्तों, नहीं तो क्या होगा, लीवर टॉनिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज़ दोस्तों, हमेशा मैं अक्सर वीडियोस में बोलता रहता हूँ, आप लोग मिक्स करके दाने को ज़रूर खिलाएं। जैसे कि मान लीजिए कि जिस दिन आपका दाना चेंज होना है उससे एक दिन पहले या दो दिन पहले, जैसे कि मान लीजिए आपका स्टार्टर चल रहा है और आपको लगाना है फिनिशर, तो फिनिशर और स्टार्टर दोनों मिला के तीन दिन पहले से ही खिलाना शुरू कर दें। इससे क्या होगा कि बर्ड का जो डाइजेशन सिस्टम है दोस्तों, वो उस फीड को एब्जॉर्ब कर लेगा और बीट जो है पतली नहीं होगा, यानी डाइजेशन ख़राब नहीं होगा। तो दोस्तों ये तो दवा जो मैंने बताई, ये आपके बर्ड में डाइजेशन को भी सही करता है। दूसरी चीज़ दोस्तों, ग्रोथ भी इससे आता है, क्योंकि इसके फार्मूले के बारे में अगर ज़्यादा कमेंट आया दोस्तों तो मैं बताऊंगा कि इसका जो ये जो मेनली ये दवा का रोल क्या है वो भी मैं बता दूंगा। बाकी दोस्तों मैं आप लोगों को इस दवा के बारे में बताना चाह रहा हूँ। ये दवा दोस्तों, जैसे कि हमारा बर्ड जिस दिन से 400 ग्राम का हुआ था, 400 ग्राम वेट आने के बाद से ही ये दवा दोस्तों मात्र 3 घंटे के पानी में, ओनली 3 घंटे के पानी में दोस्तों इस दवा को आपको लगाना होता है। यह दवा दोस्तों ये पावरफुल ग्रोथ प्रमोटर है, और इस दवा को अगर आप कंटिन्यूसली लगाएंगे दोस्तों, इसीलिए मैं एक चीज़ बता देना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि जब कोई भी ग्रोथ प्रमोटर दोस्तों आप छोटे अवस्था से चलाना शुरू करते हैं तो क्या होता है, लास्ट में जा करके ग्रोथ प्रमोटर से मोर्टेलिटी नहीं होती है बर्ड में, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये बहुत ही मतलब वो बात, जब कोई भी दवा यानी शुरुआती अवस्था से, यानी जब बर्ड का आपका बर्ड 400-500 ग्राम का होता है, उस टाइम से अगर कोई भी ग्रोथ प्रमोटर आप यूज करते हैं तो फाइनली वो ग्रोथ प्रमोटर दोस्तों आप लोगों को लास्ट के दिनों में जा करके मोर्टेलिटी का कारण नहीं बनता है। तो इसलिए इस ग्रोथ प्रमोटर से मैंने देखा है दोस्तों, मैं काफ़ी फार्मों पर, जैसा कि मैंने कल पिछले वीडियोस में बताया था आप लोगों को, उस वीडियो में भी उस फार्म में भी मैं यही चलवा रहा हूँ। और दूसरे चीज़ मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, इस समय मेरा ये जो प्रोडक्ट है दोस्तों, ये 4-5 फार्मों पे चल रहा है और रिजल्ट जो है बहुत ही बेहतर है। तो दोस्तों देर ना करते हुए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, अब मैं डायरेक्ट आपको लेके चलता हूँ फार्म के अंदर, और अपने बर्ड का जो बॉडी वेट है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि आज के डेट में 15वें दिन पर हमारे बर्ड का जो बॉडी वेट है वो कितना आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे सामने है कांटा, और कांटे को मैं करता हूँ ऑन, मैंने ऑन किया है इसको, और फिर मैं ये इसको रख करके, इसको दोस्तों इसका जो पलड़ा होता है रख करके अपन इसको कर देते हैं माइनस। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये 0-0 बता रहा है, हमारा जो कांटा है ये 0 बता रहा है। अब हम क्या करेंगे कि इसके अंदर बर्ड को रखते हैं और देखते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने पकड़ा है 2 बर्ड और एक बर्ड, ये बर्ड जो है दोस्तों लगभग 700 ग्राम प्लस का हो जाएगा आज शाम तक, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा कि ये 698-97 इस तरह से आ रहा है। और दूसरा मैं ये रख के देखता हूँ तो इस बर्ड का वज़न जो है दोस्तों ये 650 आ रहा है। लगभग दोस्तों 650 का एवरेज बॉडी वेट हमारे बर्ड का जो है आएगा ही आएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं दोस्तों वेरिएशन नाम की चीज़ तो बिल्कुल नहीं है फार्म के अंदर। सारे बर्ड एकदम सेम कंडीशन में है और सेम ग्रोथ है इनका, कोई बर्ड ना तो छोटा है और ना ही कोई बर्ड बड़ा है। जरा एक बार कैमरे में इसको कैमरे में अच्छे से दिखा दो, बस बंद करो। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आपका जो मैनेजमेंट है ये डिपेंड करता है आपके बॉडी वेट पे, यानी आपके बर्ड का जो बॉडी वेट है दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ आपका जितना बेहतर मैनेजमेंट होगा उतना ही बेहतर होगा। जैसे कि दोस्तों मेरे यहाँ पे मैं दिन में 3 बार पानी चेंज करवाता हूं, और छोटे वाले ड्रिंकर्स भी लगवाता हूं, बड़े वाले ड्रिंकर भी, ऑटोमेटिक ड्रिंकर भी चलते हैं। प्लस आप देख सकते हैं कि बीच में दोस्तों अभी भी हमारे यहां टर्बो फीडर लगाया जा रहा है, बड़ा वाला फीडर भी लगा हुआ है, छोटा फीडर भी लगा हुआ है।
तो दोस्तों जितना ज़्यादा आप बेहतर मैनेजमेंट रखेंगे, आप टेम्परेचर का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, तो आपके बर्ड का बॉडी वेट उतना ही बेहतर होगा। आशा करता हूँ दोस्तों कि यह वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।